नाम है, आप देख रहे हैं फेंसन पर हिंदी। एंड गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कि हाउ टू इनहेंस योर टर्टल कलर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो टर्टल का जो कलर होता है, आप उसे कैसे इनहेंस कर सकते हो। प्लस मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपका टर्टल जो है हेल्दी रहेगा। तो गाइस, चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे अपलोड लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो है वाटर कंडीशन। अगर आपका टर्टल का एक्वेरियम का वाटर कंडीशन सही रहेगा तो आपका टर्टल का ग्रोथ जो है वो अपने आप होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है वाटर क्लोरिनेशन, प्लस आपका वाटर का फिल्ट्रेशन कैसा हो रहा है, आप कौन सा फिल्टर यूज़ कर रहे हो। देखो, अगर आप टॉप ये पावर फिल्टर यूज़ कर रहे हो तो तुम टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ कि जो पावर फिल्टर होता है ना, वो उतना कैपेबल नहीं होता है कि आपका टर्टल का जो है इतना भी गंदगी वो साफ़ कर पाए वीकली बेसिस पे। तो आपको जो है हर दो दिन में या फिर हर तीन दिन में आपको अपना फ़िल्टर साफ़ करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच के अच्छा फ़िल्टर लें ताकि जो है आपका एक्वेरियम जो है लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि जो टर्टल होता है वो वही पानी को पीता है और वही पानी में सोता है, फिर उसकी जो शेल भी है वही पानी में रहती है। तो ऑलमोस्ट वो अपना पूरा टाइम वाटर में ही रहता है, और जब बास्किंग करना होता है तो बास्किंग करने के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है एक अच्छा सा फ़िल्टर ले लेना चाहिए। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप हैंग ऑन बैक फ़िल्टर ले सकते हो, या फिर आप कोई भी टॉप फिल्टर भी ले सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फूड। फ्रेंड्स, हम फूड कौन सा फीड करेंगे? तो देखो, बेसिकली जो इंडिया में जो फूड अवेलेबल है टर्टल के लिए वो है टायो का टर्टल फूड, या फिर डिस्कवरी का जो टर्टल फूड आता है नॉर्मल ग्रीन कलर का वो। तो आप अगर उसे फीड करते हो वीकली, हमेशा आप उसे फीड करते हो, तो टर्टल को भाई कुछ पता ही नहीं होगा ना कि आप अलग कुछ और क्या है जो मैं खाऊं। तो आप अपने टर्टल को कैरोट दो बचपन से। आप उसे स्लाइसेस करके कैरोट दे सकते हो, या फिर आप उसे ग्रीन पीस, या फिर वैराइटीज ऑफ सब्जी है मतलब जो वैराइटीज ऑफ वेजीज है जो कि आप अपने टर्टल को दे सकते हो, सलाड में जितने भी चीज़ें आती है आप वो सारी चीज़ें दे सकते हो। एक्सेप्ट आप उसे प्याज वगैरह मत देना, लेकिन आप उसे कैरोट्स, वेजीज, वाटरमेलन फ्रूट्स में से एप्पल वगैरह आप दे सकते हो अपने टर्टल को। तो उससे जो है आपका टर्टल का जो है नेचुरल ग्रोथ होगा। आप अगर नॉर्मल फिश, नॉर्मल टर्टल फूड में आप अगर आप ये रहोगे तो आपका जो है कुछ नहीं होगा। नॉर्मल फूड में अगर आप डिपेंड रहेंगे तो आपका जो टर्टल का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। प्लस फ्रेंड्स, अब बात करें तीसरे टॉपिक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है बास्किंग। फ्रेंड, बास्किंग जो है प्रॉपर बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो टर्टल जो होता है उसका खुद का कोई हीट नहीं होता है, वो दूसरे सनलाइट पे डिपेंड होता है। तो घर में हम उसे सनलाइट तभी दे पाते हैं जब हम चाहेंगे। अगर आप उसे सनलाइट दे रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं दे रहे हो तो आपको एक अलग से हीटिंग लैम्प प्लस यूवी भी दोनों रखना चाहिए। तो आप हीटिंग लैम्प कहाँ से दोगे और यूवी भी कहाँ से दोगे? तो ये दोनों का मैं वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं जो हीटिंग लैम्प एंड बल्ब यूज़ करता हूँ वो एक रेफ्रिजरेटर का बल्ब है जो कि 5 वाट का है, और जो मैं यूवी भी यूज़ करता हूँ वो एक CFL है जो कि 15 वाट्स का है। और फ्रेंड्स, आप जो CFL यूज़ करोगे, आप कोई भी CFL यूज़ कर सकते हो हालांकि, लेकिन आप 20 वाट्स के नीचे ही लेना, या फिर 20 वाट्स का लेना। अगर आपका एक्वेरियम बहुत बड़ा है तो आप 20 वाट्स का ले सकते हो, या फिर 20 वाट्स के नीचे ही लेना, क्योंकि जो 20 वाट्स के ऊपर के जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स, आप जो बल्ब लोगे वो आप 20 वाट्स के नीचे ही लेना। अगर आप 20 वाट्स के ऊपर लोगे तो जो आपका जो फ्रेंड्स, आप यूवीबी के लिए जो CFL बल्ब लोगे वो 20 वाट्स के नीचे ही लेना। 20 वाट्स का अगर आपका एक्वेरियम बहुत बड़ा है तो आप 20 वाट्स का ले सकते हो। और यही छोटी सी लाइटिंग मैं यूज़ करता हूँ, और मेरा टर्टल जो है प्रॉपर बास्किंग करता है। और फ्रेंड्स, आप मेरे टर्टल को वीकली बेसिस पे फ्रेंड्स, कलर एनहांस के लिए जो दूसरी टिप है हमारी वो है नॉनवेज। तो फ्रेंड्स, नॉनवेज में आप उसे क्रश एग सेल्स दे सकते हो, और एग योक दे सकते हो, प्लस आप उसे श्रिम्स एंड ब्लड बॉम्ब्स भी दे सकते हो। इससे जो है टर्टल का जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है, और उसका जो है कलर भी काफ़ी सही आता है। तो
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप और क्या क्या कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।